हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का कोडर बाबा में। मेरा नाम है बलराम और आज मैं एक और नया वीडियो लेके आ गया हूँ आपके साथ। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे बनाएंगे एक प्रोजेक्ट जिसका नाम होगा ऑनलाइन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो जी हाँ, ये एक प्रोजेक्ट है, आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है स्क्रीन पर, ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको मिलेंगे कॉलेज से रिलेटेड दुनिया भर की सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक मेन्यू जिसका नाम मेंटेनेंस, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन, स्टाफ, कोर्स, लाइब्रेरी, फिर एक अनदर मेन्यू होगा स्टूडेंट का जहाँ पर अटेंडेंस, मार्क्स एंट्री, लाइब्रेरी एंट्रीज, लैब एंट्री, स्टूडेंट और ऑफिस के स्टूडेंट फीस, पे स्लिप, एग्जामिनेशन एंट्री, हॉस्टल के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और फीस और रिपोर्ट आप देख सकते हैं दुनिया भर के, और यहाँ पे लॉगआउट बटन। तो ये आपको फटाफट ये आपको वेब प्रोजेक्ट ASP.NET पे मैं बना के दिखाने वाला हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सारे के सारे फॉर्म मैं आपको बना के दिखा दूँ। और भाई, जो भी आपको जरूरत की जो चीज़ें होंगी वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ताकि आप आराम से उन्हें डाउनलोड करके अपना ये प्रोजेक्ट बना सकें। तो जैसा कि ये मार्च का महीना जाने वाला है, अप्रैल का महीना आने वाला है, तो जो भी बंदे UP वगैरह में रहते होंगे तो वहाँ पे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। तो आई होप कि ये मेरा वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे आपको बनाना है ये फटाफट, ये एप्लीकेशन आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपना विजुअल स्टूडियो यहाँ पे ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010। और अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म आपको बनाना होगा। तो आप पहले तो एक वेब प्रोजेक्ट ले लो। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, मैं यहाँ पे जो मैं यहाँ पे वेब प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उस वेब प्रोजेक्ट को मैं ASP.NET में तो बना रहा हूँ, बट यहाँ पे आई एम नॉट यूजिंग C#। हम यहाँ पे मैं क्या विजुअल बेसिक यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या नया फंडा है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो कैसे, सबसे पहले आपको अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। तो अब जब आप यहाँ पे आओगे और न्यू वेब एप्लीकेशन आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप कोई भी एक नाम दे दो, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो ये आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और न्यू पे आएंगे तो न्यू वेबसाइट आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। उसके बाद इसका कोई भी एक नाम दे दो, मनचाहा नाम जो भी आप देना चाहते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे विजुअल C# पे क्लिक करना है। जी हाँ, अब हम जो वेबसाइट बनाएंगे उसमें हम C# का कोड ना लिख के यहाँ पे हम VB.NET यानी कि विजुअल बेसिक का कोड यहाँ पे लिख पाएंगे। तो गाइस, और उसके बाद आपको कर देना है ओके। और उसके बाद जो यहाँ पे वेब फॉर्म आएगा उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको बनाएंगे तो आप वेबसाइट यानी कि आप एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, बट यहाँ पे जो डायनेमिक कोड आप लिखेंगे वो आपको विजुअल बेसिक में लिखना होगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा फंडा है, बेसिकली आपको ऐसे क्रिएट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पेज बनाना है जिसका नाम होगा डिफॉल्ट। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैं बना रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहला जो पेज होगा आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो पेज है उसका नाम होगा, आप डिफॉल्ट रखो। ठीक है, तो पहला पेज उसका नाम रखो डिफॉल्ट। इस पेज में मैंने किया क्या है कि एक टेबल बनाया है, उसमें चार रो क्रिएट करे हैं। पहली रो को मैंने मर्ज कर दिया है और इसमें मैंने एक टाइटल लगा दिया है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। साइड में मैंने एक इमेज लगा रखी है, तो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, तो ये तीन रो जो है इन्हें रो स्पैम कर दिया है 3। और साइड में यहाँ पर आपको देखो, मैंने यहाँ पे यूजर नेम का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, सिंपली एक लेबल ले रखा है जिसमें लिख दिया इंटर पासवर्ड। एक टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद एक लॉग इन बटन है। अगर पासवर्ड करेक्ट होगा तो आप एक नए पेज पर मूव कर जाओगे। तो चलो मैं आपको कोड दिखाता हूँ, फटाफट लॉगिन बटन पर डबल क्लिक करो। तो ये कोई कोड यार बहुत ही सिंपल सा है, एकदम बेसिक कोड है। मैंने लिखा है कि टेक्स्ट बॉक्स जो होगा पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स, अगर वो एम्प्टी होगा तो हम यूजर को एक मैसेज दे देंगे। तो आप विजुअल बेसिक में क्या लिखते थे, मैसेज बॉक्स यूज करते थे। आपने कभी C# में तो मैसेज बॉक्स यूज किया नहीं, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं वेबसाइट तो बना रहा हूं, बट यहां पर मैं क्या कर रहा हूं विजुअल बेसिक के कोड यूज कर रहा हूं। जी हां, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट जो फ्रेमवर्क है, जो ये आप विजुअल स्टूडियो है फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में क्या फायदा होता है, फायदा ये होता है कि आप C# में विजुअल बेसिक के कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो, विजुअल बेसिक में C# के कोड इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैंने कई सारे ऐसे विंडो एप्लीकेशन बनाए हैं जहां पे मैंने C# का कोड यूज किया हुआ है। तो गाइस देखिए, आपने यहाँ पे लिख दिया मैसेज बॉक्स, इसमें हम कर देंगे कि अगर पासवर्ड इंपटी रहेगा तो वहाँ पे एक मैसेज दे देगा यूजर को। और इल्स में अगर आपका जो पासवर्ड है वो क्या है, वो है एजुकेशन, तो पासवर्ड अगर एजुकेशन होगा तो response.redirect, तो यहाँ पर हम मैसेज बॉक्स एक main.xpx, तो एक नए पेज पे चले जाएंगे जिसका नाम होगा main.xpx और टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपने पासवर्ड रॉन्ग इंटर किया है, तो यहाँ पर हम दे देंगे पासवर्ड इज रॉन्ग। ओके गाइस, तो बस सिंपल सा यही सा कोड है। ओके, तो अगर मैं इसे रन करूँ फिलहाल, ये जो एक मिनट मैं फिर से चलता हूँ, मैं आता हूँ अपने ओके तो इस पेज को अगर मैं रन करूंगा तो आप देख सकेंगे कि मैंने इसे रन किया। और जब ये रन होगा तो सबसे पहले आपको यही पेज ओपन होगा और यहाँ से आपको पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड क्या है, एजुकेशन। तो जैसे ये पासवर्ड आ गया और मैं करता हूँ पासवर्ड को ओपन, जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया इंटर करने के बाद, तो ये फटाक से होम पेज पे आ गया। तो अब हम क्रिएट करेंगे एक अनदर पेज जिसका नाम होगा मेन। तो चलिए फटाफट क्रिएट करते हैं एक नया फॉर्म। तो भाई मेन, ये जो मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म जो मेन वेब पेज है, ये क्रिएट करने से पहले हम बनाएंगे एक मास्टर पेज। जी हाँ, तो सबसे पहले बनाते हैं एक मास्टर पेज। तो कोई भी कुछ भी नाम रख दो आप मास्टर पेज का, तो
आप बनाओ एक डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के बाद आप क्रिएट करो एक मास्टर पेज। मास्टर पेज में क्या होगा, सिंपली मास्टर पेज में मैंने कुछ नहीं किया हुआ, यहाँ पे मैं बनाए हैं मैंने मीनू। तो मीनू यार बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी वेबसाइट से जाके, इंटरनेट से जाके कोई भी से आप मीनू उठा लो, ठीक है। और ये एक DIV है, ये एक इमेज लगा देना हेडर पे लगा दिया है मैंने, आप कुछ भी लगा सकते हो, इसे मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत सिंपली है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं आपको मीनू का भी कोड प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो साथ ही साथ मैंने लिखा मीनू और इस 1 2 3 4 5 6 7 सात मीनू है, उसके अंदर सब मीनू पीस वगैरह होंगे। तो ये मैंने बना दिया हेडर, और नीचे एक फुटर में बस ऐसे ही नाम दे दिया मैंने अपनी वेबसाइट का। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है मेन फॉर्म क्रिएट करना है। जी हाँ, मेन ये रहा main.xps। जब आप इस फॉर्म को ऐड करेंगे तो आपको इसके साथ मास्टर पेज को भी ऐड कर लेना होगा। फिर उसके बाद इस पेज की जो लुक होगी आपको कुछ इस तरह से दिख के आएगी, भी मैं इसे रन करूंगा, बेसिकली आप देख सकते हैं आउटपुट। तो ये पूरा वो कॉन्सेप्ट होगा मेन पेज का, बीच में कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक हेडिंग होगी जहां पे लिखा होगा ऑनलाइन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये रहा कहानी मेन पेज का। उसके बाद हम चलेंगे अब लिंक्स की बात करेंगे, मीनूज की बात करेंगे। तो लॉग इन पे आ जाते हैं, दिस इज माई मेन पेज। ओके, तो गाइज यहाँ पर हम आते हैं, तो सबसे पहले मेंटेनेंस पे आएंगे तो आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन एंड स्टाफ। रजिस्ट्रेशन मीन्स स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे। तो एक फॉर्म ओपन होके आएगा, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ आप देख सके ताकि। ओके गाइज, तो ये इस तरह से एक फॉर्म ओपन होके आएगा। तो इस फॉर्म में कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। साइड में आपको यहाँ पे देखो, दिस इज लेबल, ये जो आप देख रहे हैं डेट रजिस्ट्रेशन नंबर नेम, दीज आर द लेबल। एंड साइड में मैंने लिखा है टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसमें मैं डेट लगाऊंगा, इसलिए टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज द रेडियो बटन। फिर सब टेक्स्ट बॉक्स लिया है यहाँ पर, ये जो बीच में आप देख रहे हैं दिस इज द लिस्ट बॉक्स। ओके, तो आपको सारी चीज यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ से कोर्स, तो आप कोई भी कोर्स आईडी सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो कोर्स जो होगा उस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर उसको आपको सेव कर लो, एडिट कर लो, डिलीट कर लो, जो भी करना है कर लो। तो अब हम क्या क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एक आपको एक अनदर वेब फॉर्म क्रिएट करना होगा। तो जो चीजें होती जा रही है मैंने यहाँ से एक मिनट। ओके, तो ये रहा मेन, और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। वेयर द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एक मिनट, दिस इज स्टूडेंट रिपोर्ट, स्टूडेंट डिटेल एंड वेयर इज, ओके, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो ये आपको एक वेब फॉर्म में क्रिएट करना है, ऐड करना है बेसिकली। उसका नाम होगा क्या, studentreg.xpx। और इसका जो डिजाइन होगा मैं आपको दिखा दूं, बहुत ही सिंपल डिजाइन है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने तो बस मास्टरपीस जो है उस मास्टरपीस को आपको ऐड कर लेना है इस पेज में। उसके बाद जो आपका दूसरा कंटेंट प्लेस होल्डर होगा वहां पे आपको बस सिंपली एक टेबल आप क्रिएट कर लो, बेसिकली आप टेबल क्रिएट कर लो। यहाँ पे आपको दो कॉलम में क्रिएट करना है, दो या चार कॉलम में क्रिएट कर लो बेसिकली, ये ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया डेट लेबल, और उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है, और फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके लिए भी अनदर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के नाम है, तो रजिस्ट्रेशन का जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स का। तो नेम के लिए चलते हैं, नेम लेबल है, और उसके लिए भी मैंने लिखा है स्टूडेंट नेम। और जेंडर के लिए मैंने दो लिए हैं, रेडियो बटन, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने लिया है एक टेक्स्ट बॉक्स जिसका नाम है स्टूडेंट DOB। फादर्स नेम के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स एफ नेम, और फादर का ऑक्यूपेशन के लिए फादर ऑक्यूपेशन ये रखा है। प्रेजेंट एड्रेस के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, फिर कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किए हुए हैं एक कॉम्बो बॉक्स लिया है, सॉरी नॉट अ कॉम्बो बॉक्स, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स तो आपका विजुअल बेसिक्स में होता है, तो ASP.NET में ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ से क्या होगा आपको कोर्स लिस्ट आ जाएगी डेटाबेस से। तो गाइस डेटाबेस में आपको डेटाबेस जो है, तो उसका कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप पूरे के पूरे डेटाबेस की क्वेरी जो होगी आप डाउनलोड कर लो। कुछ नहीं करना आपको, अपने अपने क्या कहते हैं SQL सर्वर पे चले जाना है, वहां पे उस क्वेरी को रन करना है, ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, डोंट वेरी। उसके लिए डेटाबेस में आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही सिंपल है। और एक टेबल होगी कोर्स के नाम से, वहां से आपको कोर्स आईडी सेलेक्ट करोगे तो उसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा होगा, कितना ड्यूरेशन होगा, कैटेगरीज क्या है, जिस तरह चीजें आ जाएंगी। और उसके बाद जब भी आप यहाँ पे मैंने लिखा ले रखा है बटन्स, क्लियर, सेव, एडिट, डिलीट और एग्जिट, और ये है आपका लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स आपको कंट्रोल में मिल जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलेगा दिस इज द लिंक बटन, दिस इज द लिस्ट बॉक्स। तो जो भी चीजें हैं इस लिस्ट में हमें शो करनी है। ओके, तो इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। तो चलिए अब इसके कोड पे चलते हैं। बेसिकली अगर मैं इसके कोड पे चलूं तो आप व्यू कोड पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है गाइज, यहाँ पे ये तो आपका कनेक्शन हो जाएगा, ये आप कनेक्शन के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी डेटाबेस से एक इंटैक्ट करने की, वो सारी चीजें कुछ वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद ये हमारा पेज का लोड इवेंट, तो यहाँ पर हम ये कोड लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो ये एक टेबल का नाम होगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और वहां से हम यहाँ पे फटाफट जो भी सारी जितने भी रजिस्ट्रेशन हो गए होंगे उनका हम रिकॉर्ड यहाँ पे शो करेंगे, दिस इज द कॉम्बो बॉक्स में बेसिकली जो भी कुछ है। और ये आपको फटाफट कोड लिखना है, उसके बाद नीचे भी मैं आपको सारा का सारा कोड दिखा देता हूँ।
और ये ओके बाद, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लियर बटन है। तो जो क्लियर बटन है आपका बेसिकली ये क्लियर बटन है, इस बटन के क्लिक पॉइंट पे जब हम आएंगे तो हमें मिलेगा ये वाला मेथड। तो यहाँ पर भी हमें बेसिकली यही वाला कोड लिखना है, आप देख सकते हैं क्लियर बटन के लिए। और ओके इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, जो हमारा आएगा दिस इज द बटन सेव। तो जो हमारा सेव बटन है उसका नाम है बी सेव, मैंने बटन सेव अंडरस्पेस क्लिक इवेंट। यहाँ पर जब हम आएंगे तो मैं आपको बेसिकली दिखा दूँ यहाँ पे ओके। तो ये आपको कोड लिखना है, इतने सारे टेक्स्ट बॉक्स, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स से पहले हम उसे देख लेंगे कि वो इम्पटी नहीं है। अगर वो इम्पटी होंगे तो हम यूजर को एक मैसेज देंगे कि प्लीज इंटर सम इन्फॉर्मेशन इन टेक्स्ट बॉक्स या जो भी आपके कंट्रोल्स हैं। उसके बाद हम ये क्वेरी चलाएंगे। तो जिस टेबल में हम स्टोर कर रहे हैं उस टेबल का नाम है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसमें वैल्यू आएगी। तो वैल्यू जो आएगी वो इन पर्टिकुलर कंट्रोल से आएंगी, इनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और लास्ट में मैं आपको दिखा दूँ ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये तो बात हो गई क्वेरी की। और उसके बाद फटाफट ये आपको ये सारी चीज़ कोड लिखने हैं, यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे अगर इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैं जो मैसेज दे रहा हूँ वो क्या दे रहा हूँ, मैसेज बॉक्स में। तो ये ब्राउजर पे जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या बनाएंगे, मैसेज बॉक्स आपके सामने आएंगे ओके। तो गाइस ये देख सकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेरी इंसर्ट इन टू रजिस्ट्रेशन ओके। अगर आपको फिर से दूसरा कोई एंटर करना है भी तो वो हो जाएंगे यहाँ पे ओके। ये पूरा का पूरा कोड आपको मैं दिखा दूं ओके। अब हम चलेंगे एडिट बटन पे। एडिट बटन पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एडिट करने का मौका मिलेगा, आप अपने टेक्स्ट वगैरह को एडिट कर सकते हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने अगर रॉन्ग हो गई है तो आप उन्हें भी मॉडिफाई कर सकते हैं। एडिट में ये ऑप्शन आपको मिल सकता है ओके। तो गाइस ये रहा कोड ओके। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए अगर आप ओके। तो ये फटाफट कोड आप देख लीजिए, सारे कोड का बस जो काम है मैं बेसिकली मैं आपको एक ही बार में दिखा दूंगा। और पहले आप एक कोड देख लीजिए एक बार, ताकि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अगर मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बनाने लगूं तो शायद एक वीडियो जो मैं एक वीडियो में कर रहा हूँ उसके लिए शायद जितने पेज होंगे, जितने वेब पेजेस होंगे इस प्रोजेक्ट में, उतने वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो मुझे बड़ा बोरिंग लग जाता है कि यार एक ही काम को बार बार करते करते, तो ना तो इस थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं चेंज करूंगा इस प्रोसीजर, हो सकता है कितने लोगों को समझ में ना आए, बट कोई बात नहीं, बट काम हो जाना चाहिए। मेरा ये सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो ये है कि भाई कि आपका अगर बनाना चाहते हो उस तरह की प्रोजेक्ट तो आपका काम हो जाना चाहिए, और बाकी बातें तो हम बाद में एडजस्ट उसमें देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा ओके। तो गाइज नेक्स्ट आते हैं हम, दिस इज द ओके। तो ये क्या है मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज द यहाँ पे जो कम्बो बॉक्स है हमारा एंड लिस्ट बॉक्स है ठीक ओके। जो लिस्ट बॉक्स में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको आना है लिस्ट बॉक्स पे ओके। लिस्ट बॉक्स पे जब आप आएंगे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसका सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट होगा ओके। तो जैसे आप बंदा इस लिस्ट बॉक्स पे किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट करेगा तो सडनली क्या होगा, वो क्वेरी चलेगी और पर्टिकुलर जो भी इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस से आके पूरे आपके कंट्रोल पे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गया हूँ, मैंने किया रजिस्ट्रेशन पे क्लिक, और जैसे मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक वेब पेज ओपन होकर आ गया। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक स्टूडेंट की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है ओके। तो अब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, नाम दे दिया मैंने अजय। और यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अगर आपको देना है तो मैं दे देता हूँ 12/02/ यहाँ पे मैंने दे दिया 2008 ऐसा कुछ मैंने दे दिया। और उसके बाद फादर्स नेम में मैंने कुछ यहाँ पे देख दिया, ऑक्यूपेशन में कुछ लिख दे रहे हैं, एड्रेस दे देते हैं कुछ, और ये सारी चीज़ें मैंने दे देते हैं यहाँ पे और इस तरह का। और यहाँ से उसे बंदे का कोड सेलेक्ट करो, तो मैंने कोड सेलेक्ट किया 2। जैसे मैंने यहाँ पे कोड सेलेक्ट किया 2 तो ये अनदर टेबल है जहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आपको मैं अगर कोड दिखाऊँ इसका तो हो क्या रहा है बेसिकली कम्बो बॉक्स जो है दिस इज द कम्बो बॉक्स, और कम्बो बॉक्स पे यहाँ पे सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज पेज इवेंट जो है यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा ये दिस इज द कम्बो बॉक्स। तो यहाँ से क्या हो रहा है सेलेक्ट, आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है, कोर्स का नाम, ड्यूरेशन और डिपार्टमेंट और कैटेगरी जो भी चीज़ें हैं, कहाँ से कोर्स से जहाँ पे आईडी क्या होगी जो कि कम्बो बॉक्स 1 में जो भी सेलेक्ट किया गया होगा, अब वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स बने हैं इन टेक्स्ट बॉक्स में इन जो कंट्रोल आप देख रहे हैं cname.txt इसमें कोर्स वाले टेबल से जो भी डेटा आ रहा है 0 इंडेक्स वाला, 1 इंडेक्स वाला, 2 वाला, 3 वाला, उसको हम उसमें शो कर देंगे। तो इस कोड के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, इतने कोड के थ्रू कि डेटाबेस से वैल्यू लाके उस पर्टिकुलर कंट्रोल में आपको शो कर दे रहे हो ठीक है गाइस। तो यहां पर आप देख सकते हो ये चीजें आ गई। अब मुझे क्या करना है गाइस, तो ये इन्फॉर्मेशन आप जैसे सेव पे क्लिक करोगे सडनली ये सेव हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 पे अगर आपको दिखाऊं तो 2 पे मैंने क्लिक किया सडनली 2 का इन्फॉर्मेशन आ गया, मैंने 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे 1 का इन्फॉर्मेशन आ गया, आप देख सकते हो। उस वैसे ही आप स्टाफ पे अगर चलोगे तो आपको स्टाफ पे आना है, तो स्टाफ पे आप देख सकते हो कि स्टाफ आईडी ये है, तो ये आईडी तो गलत है, इस आईडी को थोड़ा सा एक मिनट मॉडिफाई करते हैं, आपको यहाँ पे करना है 3, ये स्टाफ आईडी 3 कर दिया। कुछ नाम आपको देना है तो यहाँ पे दे देते हैं विजय।
और उसके बाद आप कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दो, मेल फीमेल जो भी वगैरह है। डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं कुछ हम, /09/2009। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं कुछ, और उसके बाद ये दिया मैंने कॉन्टेक्ट नंबर को इंटीजर रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये मैंने कुछ नंबर दे दिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन में दे देते हैं कुछ दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ भाई, CS डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया। और उसके बाद यहाँ से UG PG जो भी कुछ है वो सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे करना है आपको सेव। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो गाइस नीचे आपको यहाँ पे एक कंट्रोल दिखेगा, आप देख सकते हैं ये व्हाट इज दिस, दिस इज द मैसेज बॉक्स। तो आपको सिर्फ ओके करना है, तो क्या रखा है सक्सेसफुली एडेड, तो आपको ओके पे क्लिक करना है और ये इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली एड होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर वन पे, अगर आप ये जो साथ में आपको क्या मिला है, यहाँ पे मिला है आपको क्या मिला है, ये दिस इज द लिस्ट बॉक्स। तो हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं स्टाफ डिटेल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक नया वेब फॉर्म क्रिएट ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, स्टाफ डिटेल। तो वेयर इज स्टाफ, दिस इज द स्टाफ रिपोर्ट, स्टूडेंट हो गया एंड स्टाफ डिटेल। वेट, पहले मैं ब्राउजर में देख लेता हूँ क्या नाम है, डिफॉल्ट Page 3 नाम है इसका। ओके तो अब हम क्या बनाएंगे, अब हम एक डिफॉल्ट Page 3 भी क्रिएट करेंगे नेक्स्ट। तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा नेमिंग जो है वो ऊपर नीचे है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये डिफॉल्ट Page 3 जो है वो स्टाफ के लिए है, तो आप कोई भी नाम रखो नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सारी चीजें दिख रही है, दो टेक्स्ट बॉक्स, दो रेडियो बटन, फिर से टेक्स्ट बॉक्स लिया है मैंने, टेक्स्ट बॉक्स और ये दो कॉम्बो बॉक्स ले रखे हैं, यहाँ पर एक लिस्ट बॉक्स है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 5 बटन क्लियर के, आपको ये सारी चीजों को क्लियर, कंट्रोल को क्लियर कर देना है, सेव सेव करने के लिए, एडिट यानी कि अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, और ये एग्जिट यानी किसी क्लोज करने के लिए। गाइस तो ये सारी चीजें हैं, अगर मैं इसका कोड मैं आपको दिखाऊं तो बिहाइंड द कोड। ओके तो आपको सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड लिखना है, और सबसे पहले आपको नेम स्पेस को चैट करने हैं, उसके बाद ये तो एग्जिट बटन का कोड है, उसके बाद ये आपका डिलीट बटन का। तो डिलीट बटन में क्या करना है आपको, जैसे ही आप ID इंटर करके डिलीट पर क्लिक करोगे वो पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा, और डिलीट बटन का जो कोड है मैं आपको दिखा दूँ फटाफट से। ओके तो ये रहा डिलीट बटन का कोड, और उसके बाद अब नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सेव बटन का कोड भी मिलेगा नीचे, तो ये रहा क्लियर बटन का कोड। तो क्लियर बटन में आपको सारे कंट्रोल को क्या कर देना है, क्लियर कर देना है, उन्हें नल कर देना है, क्लियर कर देना है। ओके अब आगे बटन सेव पे, सेव बटन पे चलेंगे तो हमें रिकॉर्ड को क्या करना है, सेव करना है। तो बेसिकली आप देख लो, पहले तो हम चेक कर लेंगे कि कोई टेक्स्ट बॉक्स हमारा इम्पटी तो नहीं है, अगर वो इम्पटी है तो हम यूजर को एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम सारे डेटा को ले जाके डेटाबेस में हम स्टोर करेंगे यानी कि सेव करेंगे। ओके तो इस तरह का सारा कोड ये हमारा हो गया, और नेक्स्ट हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा दिस इज द लेबल। ठीक है अब ये कौन सा लेबल है मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज यहाँ पर आते हैं तो ओके यहाँ पे DDL और ये DDT। ओके दिस इज द ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो गाइज जो भी ओके जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है आपका, सॉरी जो लिस्ट बॉक्स है, जो लिस्ट बॉक्स है जहाँ पर आपको डेटाबेस में कितने यूजर कितनी एंट्री हैं या फिर कितने नंबर आप स्टाफ हैं, तो उन सब का आपको यहाँ पे जो ID होगा रजिस्ट्रेशन नंबर का वो देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, तो जैसे ये पेज लोड होके आया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइड में जो लिस्ट बॉक्स है इसमें 3 रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो पेज लोड होगा, मैं फिर से करता हूँ स्टॉप पे चलता हूँ, तो मैं आ गया स्टाफ पे, तो यहाँ पर डेटाबेस से 3 रिकॉर्ड अवेलेबल हैं डेटाबेस में, तो ये सडनली वो यहाँ पर आपके लिस्ट बॉक्स में शो हो रही हैं। तो आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करोगे तो यानी कि लिस्ट बॉक्स के क्लिक इवेंट पे, तो मैंने 3 पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये विजय वाला जो लास्ट में मैंने अपडेट किया था वो आ गया, 2 पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई दूसरा आएगा, तो यहाँ पे एक दूसरा बंदा आ गया, 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई दूसरा बंदा आ गया। ठीक है तो गाइस आप ये देख सकते हैं, अगर मुझे 1 को मान लो ये 1 को मुझे डिलीट करना है तो सिंपली क्या करना है, उस पर तो क्लिक कर ही दिया है, अब डिलीट बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली और ये फिनिश। तो अब देखो यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में कितने 2 रिकॉर्ड अवेलेबल है। ओके अब इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, तो कोड देख लेते हैं, अब हम आगे एडिट बटन पे। तो भाई एडिट बटन का काम जो है चीजों को अपडेट करना, तो यहाँ पर अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप एडिट बटन पे डबल क्लिक करेंगे और ये जो कोड आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको इसे यहाँ पे टाइप कर देना होगा। तो ये ओके तो गाइस ये पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो ये आप देख लीजिए ये पूरा का पूरा कोड, और कुछ नहीं करना, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं जितने भी कंट्रोल है बस उन्हीं कंट्रोल के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं कि कौन कौन से कंट्रोल हम ले रहे हैं और कौन सा कंट्रोल किस वैल्यू को लेके आ रहा है।
उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। तो पेज का लोड इवेंट पे आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, बस जो लिस्ट बॉक्स है उसमें वैल्यू लानी है, तो वो और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कम ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें वैल्यू लानी है, उसके लिए आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। ओके, और फिर इसके बाद ये काम इसका तमाम। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोर्स, दिस इज द कोर्स। तो कोर्स पे क्या होगा, कोर्स पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोर्स की एंट्री, तो यानी कि आप एक स्कूल कॉलेज में क्या क्या एंट्री चल रही है तो आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पर एक कोर्स आईडी बना लो, मान लो मैंने किया 5। अब इस कोर्स आईडी का क्या कुछ नाम देना चाहते हो, इनमें से सेलेक्ट कर लो। मान लीजिए मैंने बोला कि एम कॉम, ठीक है। अब एम कॉम सेलेक्ट कर लिया, अब उसकी कोई ड्यूरेशन होगी कितने साल की, मैंने कहा 2 साल किया है कोर्स ये। ओके, अच्छा ये जो कोर्स है किस डिपार्टमेंट का है, तो आपने बोल दिया भाई मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का ही है, और यूजी है पीजी, आप ये सेलेक्ट करो भाई दिस इज द पीजी कोर्स। और जैसे आपको करोगे इस पे ऐड, ओके, जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव, और यहाँ पर वो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो सपोज ये आपने इस पे क्लिक किया तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल गया। तो गाइस मैं यहाँ पे ग्रिड व्यू भी यूज कर सकता हूँ, बट मुझे जनरली क्या था कि अगर उनकी आईडी ही दिखानी है, नेम ही दिखाना है, रोल नंबर ही दिखाना, तो एक लिस्ट जो है लिस्ट बॉक्स ये भी बेहतर है, और आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चलना होगा फिर से यहाँ पे, और यहाँ पर आपको क्रिएट करना है कोर्स नाम का एक पेज क्रिएट करना है। उस कोर्स वाले पेज में आपको ये जो मास्टर पेज है उससे जो आपने बनाया है उसको आपको ऐड कर लेना होगा। उसके बाद कोर्स का जो डिजाइन है मैं आपको दिखा दूँ, कुछ नहीं डिजाइन साइड में मैंने इमेज लगा रखा है, आप लगा सकते हैं। टेबल बना लिया है मैंने, और टेबल में बस रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, इस तरह से एक रो में 2 कॉलम है, तो पहले कॉलम में मैंने लेबल, दूसरे में कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स यूज किया है। तो दिस इज द टीएक्सटी आईडी, और यहाँ पे नेम हो जाएगा दिस इज द कम्बो बॉक्स, यहाँ पे ड्यूरेशन, यहाँ पे भी कम्बो बॉक्स, डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स, कैटेगरी, और यहाँ पे कम्बो बॉक्स। तो बेसिकली मैंने कम्बो बॉक्स यूज किए हैं, और जितने भी कम्बो बॉक्स हैं, कम्बो बॉक्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा इवेंट है, कोई इवेंट नहीं इसमें, ओके, और यहाँ पे कौन सा इवेंट है, यहाँ पे भी कोई इवेंट नहीं है। तो ये बेसिकली आ कहाँ से रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करो, एडिट आइटम पे आओ, अच्छा यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ओके। तो ये सब डायनेमिकली हो रहे हैं बेसिकली। एक मिनट, व्यू कोड पे चलते हैं, आपको व्यू कोड पे हम आ गए। तो फटाफट ये कनेक्शन हो गया, और उसके बाद क्लियर बटन पे सब कुछ क्लियर कर देना है, और ये रहा सेव बटन का कोड। तो सेव बटन के कोड पे आपको पहले तो चेक करना है कि कोई कंट्रोल इंपर्टी तो नहीं है, और उसके बाद इंसर्ट इनटू कोर्स। तो पहले कोर्स में आपको एंट्री करनी है, तो जो जो चीज़ें जिस कंट्रोल से आ रही हैं आपको उनका नाम यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको इसे रन करके और ये सारे की सारी चीज़ें फिर से क्लियर कर देनी है। तो यहाँ पे ये सेव हो गई। पेज के लोड पे क्या करना है, जो आपका ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन सी नेम, कोर्स नेम, और वहाँ पे ऐड कर देना है। तो जब ये पेज लोड होगा तो सडनली जो आपका कोर्स नेम वाला कम्बो बॉक्स है उसमें ये तीन इतने सारे कोर्सेस आ जाएंगे, और फिर साथ ही साथ जो आपका कैटेगरी वाला उसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी, यूजी एंड पीजी। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका जो ड्यूरेशन वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें ये कोड के थ्रू हम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर एंट्री कर देंगे, और उसके बाद ये सारी चीजें ओके। अब हम चलते हैं एडिट बटन पे। तो एडिट बटन पे भी सिंपली आपको क्या करना है, अगर एडिट करना है तो एडिट करने के लिए आपको उसका पर्टिकुलर आईडी देना होगा, कोर्स आईडी, जिससे हम यहाँ पे एडिट कर पाएंगे। तो क्योंकि एडिशन अपडेशन कब होगा, किसी ना किसी प्राइमरी की के बेसिस पे, तो यहाँ पे कोर्स आईडी एज ए वर्क एज ए प्राइमरी की, और ये सारी चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर डिलीट पे भी सेम वैसे टास्क है कि पहले तो चेक कर लो कि आपने बकायदा एंट्री कर रखी है कि नहीं सारी इन्फॉर्मेशन की, और उसके बाद हम यहाँ पे कोर्स आईडी से ही यहाँ पे वैल्यू को डिलीट करेंगे। तो ये डिलीट हो गया। जिस तरह एग्जिट बटन सिंपली कोड से रिस्पॉन्ड बटन रिडायरेक्ट, और मेन पेज पे हमको मूव फॉर जाना है, तो ये एग्जिट हो जाएगा। और ये आपका जो लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स में आप चाहते हैं ना पेज लोड होते ही पेज लोड हो तो लिस्ट बॉक्स में वैल्यू आता है, और जब वैल्यू आ जाए तो हम अगर लिस्ट बॉक्स में किसी, अगर मैंने 1 पे क्लिक किया तो 1 का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स देख सकते हैं यहाँ से, टीएक्सटी ये कोर्स आईडी के लिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट नेम के लिए, ड्यूरेशन के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, और यहाँ पे कैटेगरीज के लिए। तो ये जैसे आप लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा 4, तो यहाँ पे उस जिसकी आईडी 4 है, जो जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट पेज है मैं बनाने वाला हूँ वो क्या है, वो है लाइब्रेरी बुक। तो मान लीजिए आपकी आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो आपकी स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे मान लीजिए बुक्स आती हैं। तो मान लो कि मैं यहाँ पे मैं बुक्स लेके आया बीसीए के लिए, ठीक है। तो जो कोर्स हमारा बीसीए, इसके लिए मैं बुक लेके आया, बुक का नाम मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कुछ vv.net करके कोई बुक में ले आया। ओके, vv.net का कोई बुक आ गया। ऑथर कौन है, ऑथर आप दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, बीके कुछ भी। और उसके बाद अगर आपको कोई सीरियल नंबर है, उसका एडिशन नंबर, ब्लॉक नंबर, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको करना है सेव। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा।
तो मान लीजिए आप इसी तरह से आप बुक्स ले आ रहे हो तो आपको उसकी एंट्री करके यहाँ पे रख लो, तो आपको ये पता ही है कि एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपके पास कितने बुक्स अवेलेबल है। तो नीचे आपको यहाँ पे देख रहे हो मैसेज बॉक्स आ गया, इसे आप ओके करेंगे देन ये एड हो जाएगा सक्सेसफुली, यहाँ पे एड हो चुका है ओके। तो वैसे बुक्स के लिए क्या करेंगे आप, बुक्स के लिए आप चलेंगे लाइब्रेरी डिटेल नाम का एक आपको पेज बनाना होगा। तो चलते हैं, यहाँ पर आपको बनाना है लाइब्रेरी डिटेल नाम का एक पेज, और इस पेज में आपको जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल, ऊपर एक इमेज लगा रखा है मैंने, साइड में मैंने लेबल और यहाँ पर ड्रॉपडाउन लिस्ट, यहाँ से आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। तो कोर्स के लिए आपको फिर से एक जो आपका जो डेटाबेस है उसमें कोर्स नाम का एक टेबल होगा, वहां से वो डिटेल आएगी, और उसके बाद यहाँ पे आपको नाम देना है बुक का, ऑथर का नाम, ब्लॉक नंबर देना है, साथ ही साथ मैंने एक यहाँ पे लिस्ट बॉक्स दे रखा है जिसमें कि जितने नंबर आप बुक्स ऐड करेंगे उन सारी बुक्स के नाम यहाँ पे सिर्फ शो होंगे, सिर्फ ओनली नेम। और अगर मैं डायनेमिक कोड की बात करूँ तो मैं आपको कोड दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आप फटाफट कोड देख लीजिए इसकी, और बस ये रहा बट सेव बटन का कोड है, ये सेव बटन के कोड पे सेव बटन के क्लिक इवेंट पे आप ये सारा कोड लिख सकते हैं। साथ ही साथ नीचे चलते हैं और ये पेज के लोड इवेंट पे सिंपली मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में वैल्यू इंटर कर रहा हूँ, और उसके बाद ये क्लियर, उसके बाद ये क्लियर बटन का कोड हो गया यहाँ पे, और ये रहा आपके डिलीट बटन का कोड। तो डिलीट बटन का कोड बिल्कुल सिंपल है, ये पूरा का पूरा कोड डिलीट बटन का है, तो आप इसे दे सकते हैं, और उसके बाद ये एडिट बटन का हो जाएगा यहाँ पे, और ये रहा एग्जिट बटन, और ये रहा कि जब आप लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जिस भी पर्टिकुलर बुक्स पे क्लिक करेंगे उसकी एंट्री आपको इस पर्टिकुलर कंट्रोल्स में शो हो जाएगी। तो गाइज ये भी हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मीनू की जिसका नाम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पहला तो अटेंडेंस मिलेगा, तो अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो अगर आपको स्टूडेंट की अटेंडेंस की एंट्री करनी है तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ से डेट तो आ जाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जितने भी स्टूडेंट होंगे आपके पास उतने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल हो जाएंगे। तो सपोज अभी तो दो ही हैं, तो चलो पहले मैं क्यों ना एक स्टूडेंट ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपली चलेंगे रजिस्ट्रेशन पे ओके। तो रजिस्ट्रेशन पे जब आएंगे तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं 3। ये क्यों नहीं हो पा रहा, छोड़ जाने दो क्यों नहीं हो पा रहा मेरे से क्या, बट सेव करूंगा तो ये ओ माई गॉड सब कुछ फिल करना है। अच्छा एक मिनट रुको मैं देख लेता हूँ इसे यहाँ पे, चलो मैं फिल ही कर लेता हूँ थोड़ी देर। 3 and 2008 और यहाँ पे फादर्स का नाम दे देते हैं कुछ, ऑक्यूपेशन दे देते हैं कुछ, और ये प्लेस दे देते हैं यहाँ पे दे देते हैं कुछ, ये कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं कुछ, और आईडी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं मैंने किया 2। जैसे मैंने 2 किया तो 2 की एंट्री आ गई। तो गाइस देख सकते हो नाम क्या दिया यार, चलो अच्छा नाम कुछ दे देते हैं जॉन ओके। तो ये हो गया, अब हम करने वाले हैं सेव। तो जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया यहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया, आप देख सकते हो ये सेव हो गया ओके। तो अब हम चलेंगे कहाँ चलेंगे भाई, स्टूडेंट अटेंडेंस पे बता रहे थे मैं अटेंडेंस के लिए, तो अटेंडेंस पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको 1, 2, 3 तो 3 यहाँ पे रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। तो मैं अटेंडेंस बात करने आया हूँ, तो मान लो अगर मुझे थर्ड वाले का अटेंडेंस यहाँ पे एंट्री करनी है, थर्ड स्टूडेंट जिसकी एक स्टूडेंट है जिसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या है R0003, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे उसका नाम आ गया, अब वो आज के डेट में ठीक है, तो डेट वाइज अटेंडेंस होगा। तो जैसे मैं करूंगा प्रेजेंट या एब्सेंट, आज प्रेजेंट है एब्सेंट है, सपोज प्रेजेंट है तो ठीक है, तो प्रेजेंट एब्सेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, अगर वो प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट, एब्सेंट होगा तो एब्सेंट, तो डेट यहाँ पर है। तो जैसे मैं करूंगा सेव तो डेटाबेस में क्या होगा, आज की डेट में इस बंदे की एक एंट्री हो जाएगी कि हाँ ये बंदा प्रेजेंट है या नहीं है ओके। तो अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड रोल नंबर 2 की, तो जैसे इसका रोल नंबर सेलेक्ट किया उसका नाम यहाँ पर आ गया, अब ये बंदा प्रेजेंट था एब्सेंट, ये भी प्रेजेंट था क्लास में ओके। तो आप सेव, तो इस तरह से अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी अटेंडेंस यहाँ से कर सकोगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको एक पेज ऐड करना है ठीक है, और इस पेज में आपको क्या, उस पेज का नाम होगा अटेंडेंस, आप कुछ भी नाम रखो, और यहाँ पे भी आपको अपने जो मास्टर पेज है जो cmaster.master मैंने क्रिएट किया है, मैंने उसे ऐड कर रखा है, और डिजाइन भी बिल्कुल ही सिंपल है। मीनू पे आपने हेडर मीनू बना रखे हैं, सॉरी मास्टर पेज में मीनू और हेडर बना रखे हैं आपने, और ये जो अटेंडेंस वाला पेज है इस पेज में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लेना है आपको एक टेक्स्ट बॉक्स और ये डेट, डेट के लिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको लेना है कम्बो बॉक्स, स्टूडेंट नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स, और अटेंडेंस के लिए आपको फिर से लेना है यहाँ पे कम्बो बॉक्स। तो कम्बो बॉक्स में क्या होगा, इसमें प्रेजेंट एब्सेंट और यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि डायनेमिक कोड के थ्रू डेटाबेस से आएंगे। तो चलिए मैं आपको कोड दिखाता हूँ, तो कोड में बेसिकली क्या है, तो ये तो आपको सारे पेज में लिखने हैं, कनेक्शन का कोड इंपॉर्टेंट है। पेज के लोड इवेंट पे मुझे करना क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन वाला स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला जो कम्बो बॉक्स है उसमें सारे के सारे स्टूडेंट के रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर में शो करने हैं, तो वो यहाँ से हो जाएगा। क्लियर पे सबको क्लियर कर देना है, एग्जिट पे एग्जिट कर देना है। सेव बटन पे क्या करना है, हमें सारा का सारा जो भी
स्टूडेंट को सेलेक्ट किया आज की डेट में जो प्रेजेंट और या एबसेंट है, तो उसका एंट्री हमें करनी है डेटाबेस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सी बटन का कोड है, इंसर्ट इनटू एक अटेंडेंस नाम का अटेंड नाम का एक टेबल होगा यहाँ पे, और अटेंडेंस है उसमें आप ये सारी वैल्यू मुझे सेव करनी है। तो उसके बाद ये सक्सेसफुली एडिट हो जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं करना। फिर ये आपका व्हाट इज दिस, दिस इज द रजिस्ट्रेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो जैसे आप सेलेक्ट करोगे, तो जैसे कि मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये एक डेमो आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखनी चाहिए, ठीक है, वन बाय वन। तो ये उसके सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज का कोड था, ओके। तो गाइस ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा मेन्यू है वो क्या है भाई, यहाँ पे स्टूडेंट वाले कॉर्नर में सेमेस्टर मार्क्स एंट्री है, तो आपको ये करना है सेमेस्टर मार्क्स एंट्री। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, मैंने कर लिया थर्ड स्टूडेंट जिसकी आईडी R0003 है। तो यहाँ पे पहले सेमेस्टर में मान लो इसे मिले हैं 234 नंबर, 122 नंबर, और थर्ड सेमेस्टर में मिले 432 नंबर, और फिफ्थ में मिले 323 नंबर, फिफ्थ में मिले 412 नंबर, एंड फिफ्थ जो लास्ट सेमेस्टर है उसका सिक्स सेमेस्टर, उसमें मिले 389। ये इसके कुछ मार्क्स होंगे, तो सारे सेमेस्टर के मार्क्स मैंने एंटर कर दिया। अब मुझे टोटल करना है, तो मैंने टोटल पे क्लिक कर दिया, तो ये सब ऐड होके इनके टोटल आ जाएंगे भाई। तो टोटल ये हो जाए ओवरऑल जो भी है कुछ है, और उसको मैं करने वाला हूँ सेव। तो मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, तो ये रिकॉर्ड क्या होगी, सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। तो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो ये कैसा है, मार्क्स की एंट्री कैसे करनी है, तो आपको एक नया टेबल बनाना होगा, एक सॉरी वेब पेज ऐड करना होगा, जिसका नाम आपको रखना है मार्क्स। तो मैंने इसका नाम रखा है मार्क्स, और यहाँ पर आपको आएंगे तो सिंपली जो डिजाइन है आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दिस इज द कम्बो बॉक्स, सॉरी ड्रॉप डाउन लिस्ट, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, फिर अनदर टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे ले लिया मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स, और ये एक बटन, और फिर यहाँ पे आपको पांच और अलग अलग नए नए बटन ले रहे हैं, क्लियर, अपडेट, डिलीट। ये तो ओवरऑल सेम है, सारे पेज में सेम ही है। तो अब मैं इसका आपको डायनेमिक कोड अगर दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कनेक्शन का कोड बिल्कुल सेम है, क्लियर बटन का कोड आपको सिंपली क्लियर करना है, पेज के लोड इवेंट पे आपको जितने भी कम्बो बॉक्सेस में वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन वाला कम्बो बॉक्स है, उसके बाद ये एग्जिट बटन का कोड, फिर ये रहा आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट का। जैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली डेटाबेस में सारी की सारी जो, जैसे कि मैं अगर ये पेज की बात करूं, तो जैसे ही मैं यहाँ पे अगर वन सेलेक्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसके डिटेल्स, उसके नाम यहाँ पे देख सकते हैं, उसके नेम आपको देखने को मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। और अगर मैं यहाँ पे थ्री को करता हूँ, तो थ्री के भी यहाँ पे नेम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप हर सेमेस्टर बाय सेमेस्टर उनके मार्क्स की आप एंट्री कर सकते हैं। और फिर सर्च बार जो है, सर्च बार आप देख सकते हैं, सर्च बार कहाँ पर है, वेर इज सर्च बार, वेट वेट मैं बताऊँ, व्हाट इज दिस, दिस इज द बी सर्च अंडरस्पेस क्लिक। तो गाइस यहाँ पे सर्च करो, ये जो बटन है, एक मिनट, इसी के डिजाइन व्यू पे चलेंगे। यहाँ पे जो दिस इज द टोटल एंड ओके 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 बटन सेव ओके, और बटन सर्च यहाँ पर है ना, तो ये सर्च करने के लिए। तो गाइज सपोज करो अगर मुझे सर्च करना हो, तो पहले यहाँ से तो मैं जॉन को सेलेक्ट कर लिया ओके, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया। तो अगर सर्च पे आप क्लिक करोगे तो होगा क्या, देख लेते हैं यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। तो मैंने कहा R0003, तो एक स्टूडेंट का मैंने रोल नंबर ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दिया, और मैंने किया ओके। जैसे मैंने ओके किया, तो आप देख सकते हो उस बंदे का रिकॉर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो जैसे मैंने क्या सर्च बॉक्स पर क्लिक करोगे, तो एक ये इनपुट बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ R123N2, एक स्टूडेंट जिसका नाम, रोल नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने एंटर कर दिया है। अब उसका रिकॉर्ड आ गया, तो उसके सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ओवरऑल टोटल एक्सेट्रा जो भी कुछ सारी चीजें हैं। तो क्या करना है आपको, बेसिकली सर्च जो बटन है इस पर क्लिक करोगे तो इनपुट बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करोगे, फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर से वो क्या करेगा, मार्क्स वाले टेबल में जाके सारी की सारी चीजें वो सर्च करेगा, और फिर उन्होंने आप उस पर्टिकुलर कंट्रोल में यहाँ पे देख सकते हैं उन्हें शो कर देगा। उसके बाद आपका आता है सेव बटन, तो सेव बटन के क्लिक पे आपको सारा का सारा रिकॉर्ड सेव करना है ओके। तो ये सेव हो जाएगा, तो सेव कहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक मार्क्स नाम का टेबल होगा उसमें। उसके बाद आएगा बटन टोटल, टोटल में क्या करना है, जो भी वैल्यू अपने, जो भी नंबर मैंने इंटर किए हैं, उन सारे नंबर को आपको ऐड करके उनका एवरेज आपको यहाँ पर टोटल के तौर पे दिखा देनी है। तो ये टोटल का काम है, तो यहाँ पर आप टोटल देख सकते हो, टोटल ओके। और उसके बाद ये आएगा आपका एडिट बटन, तो एडिट बटन पर आपको बिल्कुल सारी की सारी चीजों को एडिट करना है ओके।
और वेयर के बाद कुछ और भी है शायद। ओके यहाँ पे खत्म, और फिर हम चलेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे खत्म हो गया। तो भाई हमारा ये मार्क्स वाला भी बन गया, और नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेमेस्टर मार्क्स एंट्री, तो होगी लाइब्रेरी एंट्री। तो व्हाट इज द लाइब्रेरी एंट्री? तो भाई सपोज करो कि कोई बंदा कोई सब्जेक्ट लेके जा रहा है, कोई बुक्स लेके जा रहा है आपकी लाइब्रेरी से, तो करना क्या, आपको डेट तो बाय डिफॉल्ट आज का ही आ जाएगा। इस टेक्स्ट बॉक्स में ये हमारा लेबल है जहां से रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करना है कि कौन सा बंदा लेके जा रहा है। तो मैंने सेलेक्ट किया 2। तो जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 2 होगा वो बंदा, उसका नाम, और उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये जो नेम, सॉरी बुक नेम वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें जितने भी बुक्स आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगी उन सारे बुक्स के नाम आ जाएंगे। तो कौन सा बंदा, आप इसे कौन सी बुक दे रहे हो, तो जावा की बुक सपोज आप दे रहे हो उसे, और यहाँ पर उस ऑथर का क्या नाम था, कुछ भी नाम आप यहाँ पे एंटर कर दो, और ये आपने सबमिट किया, तो क्या हो जाएगा, एडेड। तो पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है R2, इसको ये बुक असाइन कर दी गई। ओके गाइस, तो आपको ये कैसे बनाना है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी एंट्री नाम से एक पेज मिले आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपकी टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, कम्बो बॉक्स लेना है, फिर एक टेक्स्ट बॉक्स और फिर अनदर कम्बो बॉक्स, सॉरी कम्बो बॉक्स मीन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट, एंड ये आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो आपको कहाँ मिलेंगे ये सब, यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये रहा ड्रॉप डाउन लिस्ट, और बाकी सब आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल ही जाएगा नीचे है वो। ओके, अब इसके कोड की बात करते हैं। तो डायनेमिक अगर मैं आपको कोड दिखाऊं, तो पहले सबसे पहले आपको कनेक्शन तो आपको हर पेज में सेम करना है, फिर क्लियर का भी सेम है, पेज के लोड पे भी सेम ही है, आपको वही यूजर का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको चाहिए, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जैसे ही पेज लोड होगा तो आपको सबसे पहले ये मिलेगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करना होगा और ऊपर से बुक्स, ठीक है। तो दो चीजें होंगी, तो जब पेज लोड हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर वाले जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें से यूजर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो हो, और बुक नेम वाला जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे जितने भी बुक्स हैं उनके रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो। ओके, उसके बाद ये आपको करना है, एंड देन उसके बाद ये रहा ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे आप उसमें वैल्यू सेलेक्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका नाम और जो भी बेसिक चीजें हैं वो शो हो जाए। और ये रहा ड्रॉप डाउन लिस्ट नेम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक नेम का जो है, दिस इज दैट, एक मिनट मैं आपको यहाँ से डिजाइन भी दिखाता हूँ उसका। ओके, तो ये क्या है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नेम और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, दो ड्रॉप डाउन लिस्ट है मेरे पास। ओके, तो यहां पर मैं यह दिखा देता हूँ और आगे आगे चलते हैं इसमें, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। ओके, ये पूरा का पूरा कोड और यहाँ पे, तो गाइस ये भी बन गया है। नेक्स्ट जो आपका मेनू आता है वो आता है, क्या आता है, लैब एंट्री। तो व्हाट इज द लैब एंट्री, सपोज करो कि स्टूडेंट लैब में जाने वाला है, तो सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, डेट दिख रहा है, कोर्स आईडी। तो जब भी एक टाइमिंग होता है स्कूल में, क्या होता है स्कूल कॉलेज में होता है क्या, एक टाइमिंग होता है कि 10 से 11 बजे तक जो कि बीटेक वाले होंगे या मैकेनिकल वाले होंगे, सिविल वाले होंगे, जिनका भी लैब होगा, ठीक है, बीएससी आईटी बीसीए, तो जिनका भी लैब होगा तो उनकी एक टाइमिंग होगी। तो सपोज करो कि आज की डेट में कोर्स आईडी टू यानी बीबीए मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट है उनकी लैब है। टाइमिंग क्या है, आप टाइमिंग देख सकते हो 2 बजे से लेके 3 बजे तक, ठीक है, ये टाइमिंग, और आपने इसे सेव कर दिया। तो भाई इतने बजे इस पर्टिकुलर क्लास का लैब टाइमिंग था, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ओके, और ये बनाने के लिए आपको करना क्या है, फिर से चलेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्रिएट करना है एक लैब एंट्री नाम का एक पेज ऐड करना है, और उसका जो डिजाइन भी है मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना, सिंपली बस आपको टेबल आप बनाओ, उस टेबल के एक कॉलम में आपको लेबल ले रखना है, लेबल ले लेना है डेट के लिए, फिर इधर आपको टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है डेट के लिए, दिस इज द ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके कोर्स आईडी के लिए, ये होगा टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए, टेक्स्ट बॉक्स डिपार्टमेंट नेम के लिए, टेक्स्ट बॉक्स टाइम इन और टेक्स्ट बॉक्स आउट टाइम, ठीक है, और आपके 3 बटन सेव, क्लियर एंड एग्जिट। तो अब मैं इसका बिहाइंड द कोड दिखाऊं तो क्या सीन है इनका। ओके, तो ये कनेक्शन का हो गया, पेज के लोड पे आपको ये कोर्स आईडी सेलेक्ट करके लाना है उस कम्बो बॉक्स में, उसके बाद सेव बटन पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन सेव कर देना है। तो ये आपको यहां से देखने को मिलेगा। ओके, तो ये मैंने किया सेव, और उसके बाद ओके, और नीचे चलेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा जैसे ही आप सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज कोर्स आईडी जहां से आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सारा का सारा चीज यहां पे आपको इंटर कर देना है। मैंने कि होता क्या है कि जैसे कि आप यहां से, जैसे ही आप यहां से कोई भी कोर्स सेलेक्ट करोगे तो उसका नाम और डिपार्टमेंट ये सारी चीजें आपको यहां पे शो कर देना है। तो मैंने यहां से कोर्स की आईडी सेलेक्ट की, तो उसका कोर्स का नाम और कोर्स के डिपार्टमेंट का है, वो सारी चीजें यहां पे आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी। तो ये का कोड वो काम करेगा, उसके बाद क्लियर पे आपको क्लियर कर देना है। तो जो नेक्स्ट आता है वो क्या होता है, नेक्स्ट जो आपका मेनू है वो ये होगा लैब एंट्री स्टूडेंट हो गया। ओके,
तो व्हाट इज द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सपोज कि आपको अगर स्टूडेंट का व्यू देखना है ना, तो आप यहाँ से कोड सेलेक्ट कर लो, भाई बंदा मान लो बीसीए का है, ठीक है। तो यहाँ से आपने स्टूडेंट का कोड सेलेक्ट कर लिया, डिपार्टमेंट ऑफ सीएस है, यहाँ पे मैंने किया है व्यू पे क्लिक। तो जैसे व्यू पे क्लिक किया तो व्यू में क्या है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हुई है, सॉरी एक ग्रिड व्यू लगा हुआ है जहां से आप वो देख सकते हो स्टूडेंट की। और अगर आप मान लो एमई का देखना चाहते हो तो उसके बाद आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। तो अगर मैकेनिक एमई में कोई स्टूडेंट होगा तो यहाँ पे कोई स्टूडेंट ही नहीं है। नेक्स्ट देख लो आप बीबीए, वेर इज बीबीए, यहाँ पे बीबीए तो है ही नहीं, बीकॉम बीएससी जो भी कुछ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ओके। तो ये आपको बनाना है, तो इसमें आपको सिंपली करना क्या है, इसके लिए एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ। दिस इज द स्टूडेंट डिटेल नाम से आपको पेज क्रिएट करना है, स्टूडेंट डिटेल। और इसका जो डिजाइन होगा कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कम्बो बॉक्स, एक लेबल लेना है, यहाँ पर एक कम्बो बॉक्स और एक लेबल बेसिकली ऐसे ही वार रहेगा, और यहाँ पर आपको एक लेबल लगा देना है, साथ में आपको ग्रिड व्यू लेना है, नीचे दो बटन लेने हैं। तो यहाँ पर जो आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज पे, ओके, तो जब ये पेज लोड होगा, मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, जब ये पेज लोड होगा तो पेज के लोड होते ही हम उस जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है कोर्स नेम वाला, उसमें ये पर्टिकुलर हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कोड चलाएंगे और उस कोर्स वाले टेबल से सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम ले आएंगे और उसे हम ग्रिड व्यू में, यहाँ पे देखिए ग्रिड व्यू में हम उसे शो कर देंगे, ओके। और ये कैंसिल बटन, तो गाइस ये सारी चीजें हो गई, तो यहाँ पे स्टूडेंट का भी काम हो गया। नेक्स्ट आता है आपका ऑफिस नाम का जो मेनू है, यहाँ पे पहला आएगा स्टूडेंट फीस। तो ऑफिस में क्या स्टूडेंट फीस, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा मैं, ओके। ऑफिस फीस, ऑफिस फीस में क्या है भाई, आज की डेट हो गई, कौन सा स्टूडेंट फीस जमा करने वाला है, मान लो रोल नंबर 2 जो है वो फीस ऐड करने, फीस सबमिट करने वाला है, तो ऑटोमेटिकली जैसे आपने रोल नंबर सेलेक्ट किया उसका नाम आ गया और सेमेस्टर यहाँ सेलेक्ट कर लो, मान लो थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट है और वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है 3500 रुपये वो देने वाला है, और यहाँ पे करेगा सेव पे क्लिक और ये सक्सेसफुली हो गया सेव। तो ये आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको चलना है यहाँ पे स्टूडेंट फीस नाम से आपको एक पेज ऐड करनी है, और उसके बाद इसका जो डिजाइन भी होगा बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है डेट के लिए, एक कम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट लेना है रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, अनदर टेक्स्ट बॉक्स लेना है आपको स्टूडेंट नेम के लिए, फिर से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट लेनी है सेमेस्टर के लिए, और एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है फीस के लिए, साथ में आपको 3 बटन। इसका मैं डायनेमिक कोड मैं आपको अगर दिखा दूं तो आप देख सकते हैं, ओके। तो ये जो आप कोड देख रहे हैं डायनेमिक कोड, ये पेज के लोड इवेंट पे और ये बटन के क्लिक इवेंट पे, तो आपको अगर कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको बस ये पढ़ना है कौन सा इवेंट है, ठीक है। यहाँ से बी फॉर बटन सेव अंडरस्कोर क्लिक, तो सेव बटन के क्लिक इवेंट पे आपको ये पूरा का पूरा कोड आप जो देख रहे हैं इसे टाइप करना है, ओके। उसके बाद हम चलेंगे, दिस इज द, जब से आप रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा नाम, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जैसे आप यूजर का सॉरी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करोगे तो उसका नाम वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ से आ जाएगा और हम उसका जो नाम होगा, यानी कि जो सबसे पहला रिकॉर्ड होगा वो नेम ही होगा, उसे हम टीएक्सटी नेम वाले कंट्रोल में सेंड कर देंगे, ओके। और उसके बाद ये हो गया, एंड देन पे स्लिप। अब व्हाट इज द पे स्लिप, तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो, मान लो कि जो स्टाफ है, ठीक है, तो यहाँ से कोई स्टाफ सेलेक्ट कर लो, मैंने कहा सेलेक्ट किया नंबर 2, एक मिनट, नंबर 3 सेलेक्ट करो, नंबर 3 विजय और नंबर 2 सेलेक्ट करो, नंबर 2 पे कौन है, तो नंबर 2 पे कोई यहाँ पे एक नाम है बलराम। तो मान लो अच्छा इस बंदे की जो सैलरी है वो मान लो कि 8000 रुपये, ओके 8000 रुपये, और इसमें डीए मिल जाता है 1000 रुपये, और ये भी मिल ही जाता है इसे 1200 रुपये, और इसके टोटल जो अर्निंग है ये भी क्या होगी, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है टोटल अर्निंग पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे टोटल अर्निंग पे, तो टोटल सब कुछ ऐड करके यहाँ पर हो गई 10200। अब इसमें डिडक्शन क्या करना है, मान लो इसके 500 रुपये जो जाते हैं वो पीएफ के जाते हैं, और साथ ही साथ 200 रुपये जो होते हैं वो एलआईसी के चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के भी इसके 300 रुपये चले जाते हैं, लोन मान लो इसने 100 रुपये का कोई लोन ले रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको टोटल करना है, तो टोटल पे क्लिक करो, तो टोटल डिडक्शन कितने का होगा 1100 रुपये का। नेट सैलरी पे क्लिक करोगे तो इसमें से इतना माइनस कर देगा वो, और ये मैंने किया ये, तो जो टोटल जो नेट सैलरी होगी 9100 रुपये, तो ये आ जाएगी। तो गाइस ये कैसे होगा, तो इतनी सैलरी उसे आपको देना है, सब कुछ काट के उस पर्टिकुलर स्टाफ का, टीचर्स का, ठीक है, जो भी लेक्चरर हैं आपके इंस्टीट्यूट में, तो उनकी फीस आपको कैसे देनी है, तो यहाँ पे आपने दे दिया बेसिक, फिर क्या क्या उसमें से डिडक्शन करना है, ऐड करना है, क्या क्या ऐड, ये मैंने ऐड कर दिया, क्या क्या ऐड करना है, और फिर यहाँ से क्या क्या उसे डिडक्ट करना है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अब हम चलेंगे
विजुअल स्टूडियो की तरफ, तो यहाँ पर जो पेज हम बनाएंगे उसका नाम क्या होगा, पे स्लिप नाम से होगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पे स्लिप न्यू होगा, मे बी एक मिनट, पे स्लिप न्यू, ओके। तो ये आपको क्रिएट करना है, एक वेब फॉर्म ऐड करना है जिसका नाम क्या होगा, पे स्लिप न्यू। यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन बनानी है, तो आप कुछ नहीं करना, मैंने टेबल ही बना रखे हैं और उस टेबल में ये इस तरफ मैंने दे दिया डेट के लिए, स्टाफ आईडी के लिए, स्टाफ टेक्स्ट बॉक्स होगा नेम के लिए, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे हम डीए एचआरए के लिए, टेक्स्ट बॉक्स टोटल के लिए, और ये जो बटन होगा ये इसी के लिए होगा। इस बटन के क्लिक बन पे क्या कोड है, तो पूरा का पूरा कोड हम आपको दिखाएंगे, एक ही साथ में दिखाएंगे जो भी सारी कोड है। तो ये तो आपको सिंपली देना है, ये क्लियर बटन का कोड हो जाएगा, ये हो जाएगा सेव बटन का कोड। तो भाई ये रहा सेव बटन का कोड, तो सेव बटन के कोड पे हम आपको ये सारे का सारी चीज दिखा देते हैं। तो सेव बटन कौन सा सेव बटन भाई, तो यहाँ पे काफी सारे बटन है, तो ये इस वाले सेव बटन का कोड था। तो दिस इज टोटल अर्निंग, तो टोटल अर्निंग में क्या करना है, यहाँ पे टोटल अर्निंग है, सिंपली आपको क्लिक कर देना है और सारी चीजों को ऐड करके यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो ये बटन कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, इसको 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 इन तीनों वो कॉलम्स को ऐड करके यहाँ पे शो कर देगा सिंपली बस। और उसके बाद हम चलते हैं, आपको पूरा कोड दिखा रहे थे, ओके। तो यहाँ से ये हो गया, और फिर ये क्या है, दिस इज द टोटल, अनदर टोटल, जो ये टोटल है ये वाला, ये जो टोटल है इसका, तो ये क्या करेगा, ये इन सबको ऐड करके यहाँ पे शो कर देगा नेक्स्ट टोटल जो है। तो ये टोटल की बात करें, इस पर डबल क्लिक करो तो यहीं पर आएगा। तो ये क्या करेगा, जितना भी आपको पीएफ एलआईसी का ट्रांसपोर्ट का जो भी कुछ है उन सबको लेके ऐड करके उनको डिडक्शन करके जो भी टोटल है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, ओके। एंड नेक्स्ट जो है कोड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर से आते हैं तो टॉप से आपको दिखाते रहते हैं। तो भाई यहाँ पे पेज का लोड इवेंट आ गया, और उसके बाद ये आ गए, ये टोटल अर्निंग, यहाँ पे टोटल आ गया, यहाँ पे नेट जो है, नेट दिस इज बटन नेट, यानी कि नेट सैलरी क्या होगी वो आ गया। तो इस तरह से ये आपका टर्म ये हो गया। नेक्स्ट जो आता है वो है एग्जामिनेशन इंट्री। तो भाई एग्जामिनेशन इंट्री क्या है, एग्जामिनेशन इंट्री में सपोज करो कोई स्टूडेंट 0003, ये 0003 जो स्टूडेंट है इसका रोल नंबर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सॉरी देखिए एक्चुअली क्या है, एग्जामिनेशन डिटेल, मान लो एग्जाम चलने वाले ना, तो यहाँ से मान लीजिए 100 स्टूडेंट है आपके इंस्टीट्यूट में कॉलेज में, तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि रोल नंबर 1 से लेके, ओके, रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 2 तक वो यहाँ पर आपने कर दिया हॉल नंबर 2 में रहेंगे, ओके गाइस। और जो टाइमिंग होगा आपने यहाँ पे एक टाइमिंग दे दिया, ठीक है, तो टाइमिंग दे दिया आपने, यहाँ पे दे दिया आपने 10 बजे से लेके 12 बजे तक, ओके, और आपने कर दिया सेव। तो जैसे आपने सेव किया सक्सेसफुली, ये टाइमिंग सेव हो गया। तो अगर आपको इस तरह से लिस्टिंग बनानी है कि किस पर्टिकुलर क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, हॉल में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप ये इजीली बना सकते हैं। अब साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एग्जामिनेशन एंट्री हो गई। अब हॉस्टल, तो गाइज हॉस्टल के लिए मैं एक अनदर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, डेटाबेस से लेके डिजाइन से लेके, बस आपको सोर्स कोड देखने के लिए मेरा वीडियो देखना पड़ेगा थोड़ा सा गाइज। और यार सीएस वालों आईटी वालों क्या कर रहा हूं यार, आप लोगों के लिए मैं इतना अच्छा वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार भाई लोग, सब्सक्राइब करो। आपका जो सब्सक्राइब जब आप करते हो तो यार मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि तब भी मैं क्या करता हूँ ना, मोटिवेशन मुझे मिलता है तो मैं आगे जाकर नए नए वीडियो बनाता रहता हूँ, खोजता रहता हूँ कि क्या आप सबके साथ मैं पेश करूँ आप सबके सामने, ताकि आप सबको अच्छा लगे। तो गाइज सब्सक्राइब करो फटाफट यार, चैनल को थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो यार गाइज, क्योंकि देख ही रहे हो 1700 सब्सक्राइबर यार बहुत ही कम है, मतलब कि यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए फिलहाल। आप लोग कोशिश करते रहो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और फिर आप आपकी जो बाकी का जो चीजें हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, जैसे कि हॉस्टल का रह गया है। तो चलो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।